नागपुर नगर आयुक्त राधाकृष्ण बी पर नागपुर शहर की जनता और महाराष्ट्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए ठगने जैसे गंभीर आरोप शनिवार को हुई पत्रकार परिषद में कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे ने लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को शिकायत दर्ज करने की भी मांग की है। प्रशासन द्वारा दिए गए अनुदान का लाभ और शहर की जनता से कर वसूलने का काम कर नागपुर की जनता को फंसाया जा रहा है, ऐसा आरोप शनिवार को हुई पत्रकार परिषद में कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे ने लगाया। इस वक्त उन्होंने कहा कि अगर जनता ने टैक्स नहीं भरा तो उनके घर सील करना और शासन के नियमों की अवहेलना करने का काम किया जा रहा है। आगे बात करते हुए वे बोले कि इस संबंध में उन्होंने राज्य के 27 आयुक्तों को पत्र भेजा है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। नागपुर की जनता से कर वसूलने का काम जल्द से जल्द बंद किया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की। वही कहा कि नियम में रहकर हर किसी को कार्य करना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों न हो। मेरा वही कहना है, मैंने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी के पास में जो कल कंप्लेंट किया और सभी पुरावे के साथ किया है, वो जोड़ पत्र एक में स्पष्ट शब्दात लिहिलेला है कि सर्व कर महानगर पालिका ने थांबवावे, कारण की महानगर पालिकेला शासन अनुदान देता है 2017 पासून, आणि शासनाच्या परिपत्रकात स्पष्टपणे ते नमूद केला आहे ते की मी माझ्या घरून आणलेलं परिपत्रक नाही आहे, तरी त्याचा अनादर करत शासनाचं अनुदानही घ्यायचं आणि सामान्य जनतेकडून करही घ्यायचा, ही दुहेरी भूमिका यांची आहे आणि नागपुरातल्या जनतेची फसवणूक आहे। जर एखाद्याने कर भरला नाही तरी त्याचे घर सील करायचं, निलाम करायचा, परंतु शासनाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी न करायची हे यांनी ठरवलं। आणि मी राज्यातल्या 27 महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला आहे, त्यांनी कमीत कमी मला उत्तर दाखवण्याचं सौजन्य दाखवावं। इस वक्त नागपुर की जनता को उन्होंने अपील की, साथ ही कहा कि 2017 से नागपुर की जनता को फंसाया जा रहा है, जनता से जो कर के पैसे लिए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटाने की भी उन्होंने मांग की। सबसे पहले तो मैं नागपुर की जनता को अपील करूंगा कि आपसे 400 बीसी करके 2017 से टैक्स वसूला जा रहा है, जब राज्य शासन तुम्हारा अनुदान देऊन झालं 2017 परिपत्रक काढून त्याच्या स्पष्ट शब्दात लिहिलं होतं की आता कुठलाही कर तुम्हाला घेता येणार नाही, करापोटीचं अनुदान राज्य शासन देणार आहे, मग तुम्ही कसं जनतेची फसवणूक केली। नागपूर शहरातल्या जनतेचे कराच्या रूपाने घेतलेल्या पैशाचा हिशोब करून महानगरपालिकेने ते पैसे त्यांना परत दिले पाहिजे, ही माझी मागणी आहे। मी आमदार आहे, मलासुद्धा कायद्याने अधिकार दिलेला आहे आणि मी माझ्या अधिकारात ही लढाई लढत राहील, माझ्या विधानसभेमध्ये लढाई लढील, तिथून न्याय नाही मिळाला तर उच्च न्यायालयात जाईल आणि नागपूर शहरातील आणि राज्यातील जनतेला हा न्याय मिळवून देण्यासाठी हा मी सगळा प्रपंच करत आहे। उन्होंने कहा कि नागपुर की जनता को न्याय दिलाने के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उच्च न्यायालय तक जाएंगे, लेकिन नागपुर की जनता को न्याय दिला कर रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज नागपुर।